भोजपुर जिला हमार घर है, तो भोज के बाद नायक बना दिए, इसके बाद पवन सिंह क्या बनेगा, ये सब हमारे ऑडियंस के हाथ में है, बिल्कुल देखेंगे, समय आने दीजिए। देखिए क्या है, हम पार्टी के सिपाही आई, अजौन ऊपर से आगे से आदेश आई वो हम के आदेश के पालन करेंगे, अजौन ऊपर से आगे से आदेश आई वो हम के आदेश के पालन करेंगे। फील्ड के सिपाही हैं, वहाँ पे अच्छा सोच है, अच्छा काम है, अच्छा विकास है, और आप लोग भी साथ दीजिए कि हम लोग और विकास। इस मंच पे हमको आने का मौका मिला, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, और आप सबके दुआ से, आप सबके आशीर्वाद से हमारा भी जन्म उसी धरती पे हुआ है जहाँ से हमारे वीर कुंवर सिंह जी हैं। तो हमारे देश के वीर जवानों को सम्मान मिल रहा है, ये मिट्टी गांव गांव की मिट्टी से वाटिका बन रहा है, तो हमारे देश के शहीदों को सम्मान मिल रहा है, तो ऐसे सोच हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मेरा दिल से सलाम है। अच्छा, आप अभिनेता के साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भी और काफी एक्टिव रहते हैं आप। देखिए, सम्राट चौधरी ने खुले मन से कहा कि जो काम सरकार को करना चाहिए था वो काम पार्टी कार्यालय में हम लोग कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि जो बिहार में वर्तमान में नई सरकार बनी है वो चिंतित नहीं है देश को लेकर, देश के मुद्दे पर? देखिए क्या है, हम पार्टी के एक नया सिपाही हैं, बहुत ज़्यादा हमको नॉलेज भी नहीं है, सेंस भी नहीं है, और जिस चीज़ के बारे में हमको जानकारी नहीं होती है तो उस पर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हाँ, ये है, इतना हम ज़रूर जानते हैं कि हम जिस फील्ड के सिपाही हैं वहाँ पे अच्छा सोच है, अच्छा काम है, अच्छा विकास है, और आप लोग भी साथ दीजिए कि हम लोग और विकास करें। बिहार में भोजपुरी इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़े उसके लिए पवन सिंह क्या बिहार सरकार के समक्ष जो है वो बातें रखेंगे? बिल्कुल, हम भैया लोगन से बात करब कि हमारे जौन हमारा हम कलाकारों को जो यूपी में सुविधा मिल रहा है, तो मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि वो सुविधा बिहार में भी हो, कहे कि भोजपुरी, भोजपुर जिला हमार घर है, तो भोजपुरी भाषा के फिल्म में, मतलब फिल्मों में, गानों में, हर जगह मतलब अपना फिल्म सिटी बने, सम्मान मिले। पार्टी, देखिए क्या है, हम पार्टी के सिपाही आई, अजौन ऊपर से आगे से आदेश आई वो हम के आदेश के पालन करेंगे। इसका इच्छा किसको नहीं होगी, हर कोई चाहता है कि हर कदम हम आगे बढ़े। हमको पहले आप लोगों ने, हमारे दर्शक ने गायक बनाए, उसके बाद नायक बना दिए, इसके बाद पवन सिंह क्या बनेगा, ये सब हमारे ऑडियंस के हाथ में है, आप सभी के हाथ में है। बीजेपी में मनोज तिवारी है, निरहुआ है, रवि किशन है, पवन सिंह को भी देखा जाएगा लोकसभा में? बिल्कुल देखेंगे, समय आने दीजिए। कमर कस चुके हैं, बस आदेश का इंतजार है। जय श्री राम।